हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ ऊपर ऊपर की चीजें देखी थी। ठीक है, आज हमको दोनों ही प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया था कि जो लाइट रिएक्शन है ये लाइट पे डिपेंड है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही ये होगी। यदि लाइट एब्सेंट है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये पूरी तरह से लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट पे निर्भर करती है, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन में मेनली दो प्रोसेस होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझना की बात, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं, जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। ये चीज समझ में आ गई आपको, लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस है, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे याद आपको ये रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों भाग लेते हैं, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। ठीक है, अब हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसी को जेड स्कीम कहा जाता है। आप मतलब समझो, सबसे पहली चीज तो बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट यानी कि प्रकाश, और ये जो फॉस्फोराइलेशन है इसका मतलब है एटीपी का फॉर्मेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो, जब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण हो, तब इसे कहा जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। चूंकि ये जो प्रोसेस है ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि जेड जैसी दिखती है, और जेड कोई साइक्लिक तो है नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, अच्छा जेड स्कीम से मतलब यहाँ पे जब प्रोसेस होती है तो एक जेड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसीलिए इसको जेड स्कीम कहा जाता है। अब हमारा जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है यानी कि जेड स्कीम, इसमें चार चीजें इंक्लूड है। सबसे पहला लाइट का एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर की स्प्लाइटिंग, तीसरा ऑक्सीजन रिलीज और चौथा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। लाइट एब्जॉर्प्शन से मतलब लाइट को अवशोषित करना है, वाटर की स्प्लाइटिंग मतलब जल के टूटने से, और ऑक्सीजन रिलीज जब वाटर की स्प्लाइटिंग होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच मतलब एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन निर्माण। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैसे होती है वो एक एक करके अपन देखते हैं। इस तरफ देखो, इस चित्र से अपन समझते हैं, यहां पे ये पीएस सेकंड है और ये पीएस फर्स्ट है। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है यानी कि जेड स्कीम, इसमें पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, जो पीएस सेकंड है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो पीएस फर्स्ट है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है यानी कि जेड स्कीम, ये पीएस सेकंड से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, पीएस सेकंड से। समझो होता क्या, जब पीएस सेकंड 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इस पीएस सेकंड में होती है वाटर की स्प्लाइटिंग, मतलब जल टूटता है। जब वाटर की स्प्लाइटिंग होगी तो वाटर की स्प्लाइटिंग से एक मोल के वाटर स्प्लाइटिंग से 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑक्सीजन और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। समझ में आई बात, जब एक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लाइटिंग होगी तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी जिसका उपयोग हम और बाकी के एनिमल करते हैं। एच पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां पहुंच जाएंगे,
पीएस सेकंड के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है पीएस सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन। कौन होता है? फियोफाइटिन। इस फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। किसमें पहुंचा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन इंक्लूड है। याद रहेगी बात ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये किससे मिलकर बना है? प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होते हैं यानी कि इसमें से गुजरते हैं तब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक एटीपी बनता है। याद रहेगी बात क्या बनता है? एक एटीपी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गए पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में। पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में जब इस पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड होगा और पहुंच जाएगा पीएस फर्स्ट के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। पीएस फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। कौन है? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से निकल के कहां जाते हैं? NADP पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव के पास, और इनसे मिलके क्या बना लेते हैं? NADPH प्लस H पॉजिटिव। बात को समझो, जो NADP पॉजिटिव है NADP पॉजिटिव ये स्ट्रोमा में पड़े होते हैं और ये जो 2H पॉजिटिव है ये यहां से आए। जब वाटर की स्प्लाइटिंग हुई थी तो 2H पॉजिटिव बने थे, यही H पॉजिटिव यहां पे जाके मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है यहां से वाटर की स्प्लाइटिंग से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो घूमते हुए कहां पहुंच गए? ये। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NADP पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? NADPH प्लस H पॉजिटिव। इस प्रकार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि थर्ड स्कीम में एटीपी और NADPH बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में काफी डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होता है पीएस सेकंड से। कहां से स्टार्ट होता है? पीएस सेकंड से। जब पीएस सेकंड के रिएक्शन सेंटर पर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है तो यहां पे होती है वाटर की स्प्लाइटिंग। ठीक है, वाटर की स्प्लाइटिंग से 2H पॉजिटिव, जब एक मॉलिक्यूल, जब वाटर के एक मॉलिक्यूल की स्प्लाइटिंग करोगे तो उससे 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन बनती है। जो ऑक्सीजन है ये तो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। ठीक है, 2H पॉजिटिव ये यहां से जा रही है और ये यहां पर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वही जाएंगे लेकिन ये घूमते हुए जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके पीएस सेकंड के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं जिसका नाम है फियोफाइटिन। आपको बता दूं बेटा इसके ऊपर ऑल इंडिया पीएमटी में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि जो पीएस सेकंड है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? आंसर इज फियोफाइटिन। ठीक है, ये फियोफाइटिन पीएस सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यानी कि ईटीएस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसाइनिन से बना हुआ है। होता क्या है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से जाते हैं साइटोक्रोम एफ में, साइटोक्रोम एफ से जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से चले जाते हैं पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरते हैं उस समय एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है? एटीपी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ गए पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में। जब पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है
तो यहां से इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड होता है और कहां पहुंच जाता है, पीएस फर्स्ट के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। पीएस फर्स्ट का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एफआरएस, इस एफआरएस का पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे एनएडीपी पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एनएडीपीएच प्लस एच पॉजिटिव। अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो भी सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा यही बनता है कि जो वाटर की स्प्लाइटिंग है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। आंसर इज पीएस सेकंड। यहां तो वाटर की स्प्लाइटिंग हुई क्या, नहीं हुई। वाटर की स्प्लाइटिंग कहां पे हो रही है, पीएस सेकंड के पास, यानी कि जल का विघटन पीएस सेकंड से संबंधित है, याद रहेगी बात। दूसरी चीज, पीएस सेकंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन होता है। कौन होता है, थियोफाइटिन, ठीक है। एटीपी कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरेंगे उस समय एटीपी बनेगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो सीक्वेंस है उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो याद रखना, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट, जो पीएस सेकंड है ये कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इस पीएस फर्स्ट के पास ही क्या बनता है, एनएडीपीएच, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग एक बार इसी चीज को एनसीईआरटी से रीड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, ठीक है।